आरबीआई की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, 30 सितंबर तक 2000 के नोट वैध हैं। ऐसी स्थिति में अब जो लोग ब्लैक मनी जमा कर रखे थे, जो जिन लोगों ने पैसे को दबा कर रखा था, सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट से 2000 के नोट बिल्कुल गायब हो गए थे। इस परिस्थिति में जाकर के आरबीआई को इस तरह का डिसीजन लेना पड़ा और 30 सितंबर तक जो 2000 के नोट है उसे वैध घोषित किया गया है। लेकिन इन 2000 के नोट का जो जहां तक सवाल है, तो सबसे ज़्यादा शिकार अगर कोई हो रहा है तो वो तो पेट्रोल पंप के लोग हो रहे हैं या फिर जो किराना दुकानदार है उनके पास हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट से बिल्कुल भी 2000 के नोट गायब हो चुके थे। लेकिन अब हर जगह आपको 2000 के नोट नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाकमंगला चौराहा पर। हम यहाँ पर पेट्रोल पंप कर्मी से जानते हैं कि आप लोगों के पास रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग आते, ग्राहक आते हैं, तेल भरवाते थे, लेकिन पहले 2000 के नोट कितने नज़र आते थे? पहले 2-4 5 आ रहा था। अब तो देख ही रहे हैं, हाथे में खुद है, ये है, दिखाइए जरा सा हमें। तो एक दिन में कितने सारे नोट आते हैं? एक दिन में कम से कम 15-20 आ जाता था इनने। और क्या 2000 के जो नोट आपके पास आते हैं तो 2000 के तेल? नहीं 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 नहीं, कितने 250 का कोई लेगा, कोई 350 के लेगा, कोई 150 के लेगा, तो हम लोग का लौटाने में थोड़ा दिक्कत होता है। लौटा देते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। आदमी को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा नोट दे के 100-200 का तेल ले रहे हैं कि कहाँ से वो लौटाएंगे। अच्छा, आज सुबह से ही आपके पास इतने सारे 2000 के नोट आ गए हैं? 6 बजे से लगे हैं। अच्छा, 6 बजे 2000 के देखिए ना, क्या है, 3 गो 3 गो 6 गो 7 गो 7-8 गो होगा। तो आप देखिए कि सुबह के अभी 11 बजे हैं लगभग, लेकिन आप जैसा बता रहे कि 8-10 नोट इनके पास अभी 2000 के। हम यहाँ के ग्राहक से भी मौजूद करते हैं। क्या सर, आप लोगों के पास भी 2000 के नोट जमा थे? नहीं मैम, हमारे पास नहीं है, ऐसे घर में है 1-2 पीस, वो बैंक में जमा कर देंगे मैम। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि अब जैसे मार्केट से बिल्कुल से गायब हो गया था 2000 का नोट, क्या अब आप लोगों को 2000 के नोट नज़र आने लगे हैं? अभी ज़्यादा तादाद में दिख रहे हैं, जैसे ये भाई साहब के पास आप देख सकते हैं कि 5-7 नोट दिख रहे हैं। दिन भर में लगभग 15-20 नोट आ जाते होंगे, लेकिन उसको ज़्यादातर आप बैंक में जमा करें, किसी के ऊपर बोझ ना बनाएं कि वो जाके बैंक में जमा करें। क्या 2000 के नोट कितने नज़र आ रहे थे बीच में आपको? देखिए यहाँ पर भी जो भाई साहब हैं इनके पास भी 2000 के नोट नज़र आ रहे हैं। क्या ये नोट इससे पहले कहाँ थे? ये क्या, हम लोग तो दूध बेचते हैं, पैकेट वाला कस्टमर देते हैं, तो हम लोग तो जमा कर देते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग भी उसी के शिकार हो रहे हैं कि जिन लोगों ने जमा कर रखा था 2000 के नोट? हम लोग कस्टमर दिए तो हम लोग जाके डीलर के यहाँ जमा कर देते हैं, ऑर्डर में डिमांड में अपना जमा कर देते हैं पैसा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग तो जैसे बता रहे कि दूध का व्यापार करते हैं, तो इससे पहले 2000 के कितने सारे नोट नजर आए? पहले तो बहुत कम, एकाध दो कभी कभार आते थे, एकदम मार्केट से लगता है आउट ऑफ मार्केट हो गए थे 2000 के नोट, आज एक मिला है। मतलब जो अपने सर का टेंशन है वो आपके सर पे दे दिया? तो अब एक मिला है, तो अब एक मिला है तो अब इसको तो हम लोग तो जमा कर देंगे ना, अभी जाएंगे दूध का डिमांड जमा करेंगे, उसी में इसको जमा कर देंगे। तो देखिए जिस तरह से मार्केट से 2000 का नोट बिल्कुल भी गायब था, लेकिन अब मार्केट में बात कर ली तो 2000 के नोट आपको आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। भले ही लोग सामान 200-250 का ले, लेकिन पैसा अगर निकालने की बात आए तो 2000 के नोट निकालेंगे, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि 30 सितंबर तक ही 2000 के नोट वैध है। ऐसे में जिन लोगों ने पैसे को जमा कर रखा है, जिन लोगों ने दबा रखा है, उन लोगों की अब मजबूरी हो गई है कि अब पैसा को निकालना है, पैसा को यूज़ करना है। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश के साथ, पटना से गीता सिंह की रिपोर्ट।